सिर्फ कुछ देशों के पास है परमाणु हमले का तोप। भारत का स्थान देख चौंक गया अमेरिका। दोस्तों, एक वो वक्त था जब विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध। उस युद्ध में कई जानों के साथ साथ कई अरबों रुपए का भी नुकसान हुआ। लेकिन आज का जो समय है, उसमें अगर किन्हीं दो देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ तो इसमें सिर्फ देश की हालत ही खराब नहीं होगी, बल्कि अब पूरा देश ही नक्शे से गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब समय है परमाणु हथियारों का। आज की सदी में परमाणु हथियार तो कई देशों के पास है, लेकिन परमाणु हथियारों का तोड़ सिर्फ कुछ ही देशों के पास है। आज के समय में ऐसा परमाणु हथियार है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला कर सकते हैं, और ये किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, जो अपने साथ एक बार में कई टन परमाणु हथियार ले जा सकती है। ये मिसाइल किसी देश की सीमा में इतनी तेज घुसती है कि इन्हें रोक पाना भी नामुमकिन होता है। जिस देश जिस राज्य में गिरती है, वहाँ कई किलोमीटर दूर तक सब कुछ राख में बदल जाता है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो आसानी से किसी भी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही देशों के बारे में जिनके पास दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हथियारों का तोड़ है, और इसीलिए इन देशों पर कोई भी देश हमला करने की हिम्मत नहीं करता। इस तोड़ को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो चलिए जानते हैं किन देशों के पास है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और भारत इस लिस्ट में कहां पर आता है। चाइना। दोस्तों, चीन अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को लंबे समय से अपग्रेड करने में लगा हुआ है। चीन के मुताबिक उसके पास एक DN-3 मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों, चीन कई बार इंटरसेप्टर मिसाइलों के सफल परीक्षण के दावे भी कर चुका है, लेकिन यह कितना सफल या असफल रहे इसका हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। न्यूक्लियर पॉलिसी प्रोग्राम के एक्सपर्ट टॉम ने कहा है कि चीन डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इसमें कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता शामिल है। चीन ने कम दूरी और मध्यम दूरी के लिए दो एंटी मिसाइल सिस्टम को बना, पहला है SQ-9 और दूसरा है HQ-19 मिसाइल सिस्टम, जिसका जून 2022 में परीक्षण किया था, जो मध्यम दूरी की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन चीन के पास लंबी दूरी के एंटी मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम है भी या नहीं, या फिर पड़ोसी देशों में अपना डर बनाने के लिए झूठी अनाउंसमेंट कर रहा है, या फिर किसी को पता नहीं। रूस। दोस्तों, रूस तो जैसे परमाणु हथियार का बादशाह बन बैठा है। रूस के पास ऐसे ऐसे सीक्रेट परमाणु हथियार भी हैं जिसका अभी तक दुनिया को पता भी नहीं है। इसके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में कई लेयर्स हैं जो कई हिस्सों में बटा हुआ है, जिसका सबसे मजबूत हिस्सा है A-135, जिसका नाम बदलकर A-235 कर दिया गया है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ पनडुब्बी से भी लॉन्च की गई मिसाइल को आसानी से रोक सकता है। रूस के पास 1995 में भी इतना सक्षम और शानदार रडार था जो उस वक्त भी 1200 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन अब इस रडार को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। रूस का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन शामिल है। साथ ही अभी हाल ही में रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में एंटी सैटेलाइट मिसाइल को भी शामिल कर दिया है। इजराइल। दोस्तों, इजराइल के पास दो तरह के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसके पूरे ग्रुप को इजराइल ने Arrow 3 का नाम दिया है। ये एक एक्सो एटमोस्फेरिक हाइपोसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया है। ये भी अमेरिका के सिस्टम जैसा ही है, लेकिन जो चीज इसको बाकी सिस्टम से अलग बनाता है वो है इसकी डाइवर्ट मोटर कैपेबिलिटी। इसका किल विचेला आसानी से अपने डायरेक्शन को बदल सकता है, जो कि हाइपोसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। इजराइल का इस सिस्टम सैटेलाइट कभी आसानी से शूट कर सकता है, और अब अमेरिका इजराइल मिलकर इजराइल के सिस्टम के सेकंड वर्जन को डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम है डेविड शेलिंग। इस छोटी मिसाइल लार्ज कैलिबर रॉकेट और क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसमें वर्टिकल मिसाइल फायरिंग यूनिट के साथ ही बैटल मैनेजमेंट ऑपरेटर स्टेशन और स्कैनर इंटरसेप्शन शामिल है। अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका इस लिस्ट में पीछे कैसे रह सकता है, जबकि वो घातक हथियार बनाने के मामले में दुनिया के पहले स्थान पर आता है, जो हथियार बनाने के साथ ही दूसरे देशों को हथियार भी बेचता है। यहाँ तक कि कई देशों के पास अमेरिका के बनाए हुए परमाणु हथियार भी हैं। इनका तोड़ बनाना अमेरिका के लिए और भी ज्यादा आसान है। अमेरिका के पास ग्राउंड बेस्ड मिड रिकॉर्ड डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा खतरनाक है। मेडिकोस बैलिस्टिक मिसाइल का वो फेज होता है जिसमें उस मिसाइल को ऊपर ले जाने वाला रॉकेट बूस्टर खत्म हो जाता है, और मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर जाकर पृथ्वी के वातावरण में वापस लौटता है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम कर सकता है। इसका सेंसर जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष तक फैले हुए इस सिस्टम में तकरीबन 44 इंटरसेप्टर शामिल हैं। ये मिसाइल लाइट की स्पीड से हमला कर दिया, जबकि 20 इंटरसेप्टर को लगाना अभी बाकी है। इसमें ग्राउंड बेस्ड रडार, अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार, एटमॉस्फेरिक किल व्हीकल, ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर, बैटल मैनेजमेंट कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन फॉरवर्ड बैंड X बैंड रडार और सी बेस्ड X बैंड रडार शामिल है। हमारा भारत।
जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिनके पास बैलिस्टिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की ताकत है। भारत के पास मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। करगिल युद्ध के बाद साल 2000 में वाजपेयी जी की सरकार ने इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम की नींव रखी थी। इसके तहत भारत ने बनाया है BMD शील्ड, जो भारत को बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से बचाएगी। भारत के पास 2 लैंड बेस्ड और 1 सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो एक PAD जो हाई एल्टीट्यूड में आने वाले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए काफी है, वही AAD लोअर एल्टीट्यूड वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए तैयार की गई। इन एंटी मिसाइल के साथ ही इस डिफेंस सिस्टम में एक और ओवरलैपिंग नेटवर्क भी शामिल है, जो रडार की मदद से पहले वार्निंग देता है। PAD को 2006 में टेस्ट किया गया था, जबकि AAD को साल 2007 में। दोस्तों, भारत अपने सिस्टम में किसी भी तरह के खतरे को भारत में आने से पहले ही रोक सकता है, और हमें गर्व है कि भारत भी अब सुपर पावर बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। अगर आपको भी भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।